महिला मोर्चा द्वारा सोलन मंडल में मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिमदर सूद ने की। इस मौके पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आते जाते नागरिकों को मास्क बांटे और हाथ भी सैनिटाइज किए। महिलाओं द्वारा इस मौके पर सभी को संदेश दिया गया कि वे घर पर रहें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन करें। अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी को हम अवश्य हरा सकते हैं और उसे फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देते हुए वे खुद सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन कम करते ही दिखाई दिए। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रशिमदर सूद ने बताया कि कोविड संकट में महिला मोर्चा पहले भी प्रदेशवासियों को जागरूक कर चुका है कि वे मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें, और अब दूसरे चरण में भी वे मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है कि वे तब तक ढिलाई न रखें जब तक कि कोरोना की दवाई नहीं आ जाती। उन्होंने कहा कि अब देखने में आ रहा है कि जिलावासी कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए महिला मोर्चा उन्हें पुनः जागरूक कर रही है और प्रदेश के सभी मंडलों में मास्क और सैनिटाइजर बांट रही है ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। देखिए, ये दूसरे फेज में महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का जो महिला मोर्चा है, वो दूसरे फेज में दोबारा से फेस कवर और सैनिटाइजर और लोगों में जागरूकता का अभियान जो है वो चला रहा है। और आज पूरे प्रदेश में 11 तारीख को आज और 14 तारीख को जो आने वाली है, दो दिन जो है वो दोबारा से इस अभियान को ले रहा है ताकि लोगों में दोबारा से ये एहसास हो कि हमें सुरक्षित रहना है। फेस कवर हम लोगों ने 1000 पर मंडल बोला है और हर मंडल में जो है वो आज फेस कवर सैनिटाइजर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और हम चाहते हैं कि लोगों में जो मन में ये खौफ था वो जो निकल गया है, उनको लगता है कि अब तो नॉर्मल है लाइफ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी भी ये जो कमर जो ये इन्फेक्शन है ये फैल रहा है और ये लोगों के द्वारा एक दूसरे को मिलने से जुलने से फैलता है। तो लोगों को आज हम सैनिटाइजर खोल खोल कर दे रहे हैं ताकि वो यूज़ करें। जैसे अभी एक ट्यूशन से बच्चे आ रहे थे तो उनके उनके बैग्स में कहीं भी सैनिटाइजर नहीं था। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह भी है माँ बाप को कि आप अपने बच्चों को ट्यूशन पे भेज रहे हैं तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उनके बैग में सैनिटाइजर होना बहुत आवश्यक है। और बिल्कुल साथ साथ बच्चे चलते हैं, हाथ पकड़ के चलते हैं, तो उससे हमें परहेज करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, यही हमारा आज का संदेश है।